नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मीटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज आज जो है आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए एक तरीके से खुशखबरी है। तो चलो बढ़ते हैं आज के न्यूज़ की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मोबाइल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हमारे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए और आप सभी वीडियो जो है टाइम पर देख पाओ। तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, आज की खुशखबरी ये है कि SBI ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अगर आपको वेबसाइट आप उसकी विजिट करोगे, जो कि ये रही उसकी वेबसाइट sbi.co.in, इस पर आपको विजिट करना है एंड इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए, हमें जो भी है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही हमें नोटिफिकेशन चेक करनी है। देखिए, यहाँ पर आपको जाना है कैरियर्स में, आपने ये वेबसाइट सर्च कर लो और कैरियर्स में जाओ। जैसे ही आप कैरियर्स पे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा, फेक सिलेक्शन लेटर्स एंड लिस्ट सेंड बाय फ्रॉडरस्टर इन द नेम ऑफ SBI। कई सारे फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें ये भी हो रहा है, तो इसके लिए आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखने जाओगे तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी इसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, बट इसका जो है नोटिफिकेशन लेटेस्ट अनाउंसमेंट में है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट में ये जो पहला डॉट है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, तो इसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ। तो आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये हमने जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये उसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी, जिसमें रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स बोला गया है, जिसमें कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स है। देखिए, यहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट भी करना है एंड क्रॉस सेलिंग भी करनी है। ये प्योरली क्लरिकल वैकेंसी नहीं है, यानी कि प्योरली जूनियर एसोसिएट वैकेंसी नहीं है, इसमें आपको सेल्स कंपलसरी रहेगा। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, बिकॉज इन्होंने अनाउंसमेंट में ही बोल दिया है हमें। ये इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन पेमेंट के जो है वो 27 अप्रैल से लेकर 17 मई तक है, 27 अप्रैल 2021 से लेकर 17 मई 2021 तक है। तो जस्ट सिंपल है, इसमें हम वैकेंसीज देख लेते हैं। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर सर्कल है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है, लैंग्वेज एंड रेगुलर वैकेंसीज कितनी है, बैकलॉग वैकेंसीज कितनी है, ये सब बताया है। देखिए गाइज, आप सभी को रिक्वेस्ट है मेरी कि ये वीडियो पूरी तरीके से देखिए, बिकॉज इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। एग्जामिनेशन के वक्त आपको क्या ले जाना है ये भी यहाँ पर कुछ चेंजेस किए ही गए हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो आप स्किप करके छोड़ दोगे और एग्ज़ाम आपको शायद देने नहीं देंगे। जो अगर आपने कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर जो हमने वीडियो में बताई है एडवर्टाइजमेंट देख कर अगर वो आप नहीं ले गए तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि ये पूरा जो वीडियो है आप ध्यान से देखिए, स्पेशली जब एग्जामिनेशन के बारे में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको यहाँ पर दी गई हमारी सभी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दूसरी चीज़, अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करें, शायद उनकी भी किस्मत आपकी वजह से बदल सकती है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो अहमदाबाद सर्कल में, यानी कि अहमदाबाद सर्कल जो गुजरात के अंदर आता है, उसकी लैंग्वेज गुजराती है, आपको लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। इसमें SC में 63, ST में 135, OBC में 243, EWS में टोटल जो है 90 वैकेंसीज़ है, जनरल कैटेगरी में इसकी 371 वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो टोटल मिला के 902 वैकेंसीज़ है। इसमें PWD, एक्स सर्विसमैन, SC, ST, OBC, PWD और एक्स सर्विसमैन, ये बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं और ये रेगुलर वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए, रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसीज़ में आपको बाद में कभी डिस्कस करूँगा कि रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज़ में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें बेंगलोर सर्कल में, कर्नाटका जो कि कर्नाटका में आता है, उसकी जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ है, जिसमें 400 वैकेंसीज़ है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश, भोपाल सर्कल यानी कि मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दोनों कवर करता है, जिसमें मध्य प्रदेश में 78 जबकि छत्तीसगढ़ में 120 वैकेंसीज हैं। बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार एंड सिक्किम, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ये पूरा सर्कल उसका बनता है। तो वेस्ट बंगाल में 273 वैकेंसीज है टोटल, इसमें 15 एंड 12।
किस में, अंडमान निकोबार में 15 और सिक्किम में 12, इस तरीके से वैकेंसीज है। तो जस्ट सिंपल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ अभी जस्ट स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको केवल वैकेंसीज के बारे में मालूम पड़ जाए, ठीक है, और आप अप्लाई भी कर सकें। देखिए महाराष्ट्र गोवा जो है, महाराष्ट्र मुंबई उसमें 640 वैकेंसी है, महाराष्ट्र ऑब्लिक मुंबई मेट्रो लिखा है। एंड महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है, जो गोवा में वैकेंसीज है जिसमें कोंकणी लैंग्वेज है, जिसमें 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टोटल ये बोला है, तो टोटल मिला के 4,915 वैकेंसीज यहाँ पर बोली है, ठीक है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में टोटल यहाँ पर 85 वैकेंसीज है, यानी कि टोटल 5,000 वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस हुई है, टोटल 5,000 वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस हुई है। तो चंडीगढ़ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी यहाँ पर स्पेशल एरिया जो है, लेह एंड कारगिल विले, कश्मीर विले, उसमें अलग से वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर एब्रिविएशंस भी दिए गए हैं, ये तो आप भली बात ही जानते होंगे। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल जीएन यानी कि जनरल कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी पर्सनल पर्सन विद डिसेबिलिटी, विजुअली इम्पेयर्ड, वीआई यानी कि एचआई यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड, एलडी यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डीएनई का मतलब होता है कैटेगरी डीएनई ऑफ द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, एक डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, वो हमें देखना है। एक्सेस का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, डीएक्सएस का मतलब होता है डिसेबल एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन जो है, हर एक जो सीट है वो रिजर्व की गई है अलग तरीके से। तो रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड दीज आर इंक्लूडेड इन द वैकेंसीज ऑफ वेरियस पेरेंट कैटेगरी। 4.5% ऑफ द टोटल वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर डिसेबल एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट ऑफ द सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन क्लब टुगेदर, ठीक है। तो जो देश की सेवा कर रहे हैं उनके लिए अलग से उन्होंने सीट जो है वो यहाँ पर रखी है। इम्पोर्ट नोट की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला है, वैकेंसीज रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी आर अवेलेबल फॉर ओबीसी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट, यानी कि आपको यहाँ पर जो है क्रिमिलियर एंड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसमें भी जस्ट सिंपल है ओबीसी कैटेगरी नॉट कमिंग इन क्रिमिलियर कैटेगरी, आपने क्रिमिलियर कैटेगरी में अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं निकाला आर नॉट एंटाइटल फॉर एनी रिलैक्सेशन रिजर्वेशन अवेलेबल टू ओबीसी कैटेगरी, दे शुड बी इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल और जनरल, ठीक है, और जो भी उनका फिजिकल पीडब्ल्यूएस में आता है उस हिसाब से आप बोल सकते हो। तो इसी तरीके से प्रॉपर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आपको दिख रही है। अब देखिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार चेक कर लेते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहेगी और कैसे लोग अप्लाई कर पाएंगे, ये मैं आपको पूरा अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर देखिए, एज ऑन 1 अप्रैल के दिन हमें देखना है, नॉट बिलो 20 ईयर्स, यानी कि इस तारीख को आपके एग्जैक्टली 20 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, अगर इससे कम है तो नहीं चलेगा, ठीक है। मीन्स अगर आपका बॉर्न 1 अप्रैल 2001 तक जो हुआ है तो वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल 2001 में हुआ है तो वो लोग नहीं चलेगा, वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज व्हाट, उनकी 20 ईयर्स की आयु नहीं हो रही है, नॉट अबाउट 28 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021, मीन्स इस तारीख को उनकी एज जो है वो 28 ईयर्स से एबो नहीं जानी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर 2 अप्रैल 1993, ठीक है, 2 अप्रैल 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2001, बोथ डेज इंक्लूसिव, समझ में आया। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, क्लियर है आपको। अब देखिए अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें, देखो ये तो किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है, बट अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर्स, देखिए ये अपर एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 5 ईयर्स, यानी कि अगर आप 28 ईयर्स प्लस 5 करो तो इनको 33 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, यानी कि 28 + 3, यानी कि टोटल 31 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी फिजिकल जो कैंडिडेट्स है, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट जिनको जो डिसेबिलिटी है वो जनरल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है।
यानी कि 28 + 10 ईयर्स कर देना, वो 38 की आयु सीमा तक अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें PWD SC ST के कैंडिडेट हैं, उनको 15 साल तक का एज रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो 28 + 15 कर दीजिए तो 43 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड PWD OBC में जो आती है, यानी कि उनके पास OBC का भी सर्टिफिकेट है और PWD भी है, तो वो उनको 13 साल का एज रिलेशनशिप मिलता है, यानी कि वो 41 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब एक्स सर्विसमैन डिसेबल एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर इन डिफेंस सर्विस +3 ईयर्स, ठीक है, +3 ईयर्स, 8 ईयर्स फॉर द डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू द SC ST सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल से पहले उनको अप्लाई कर देना है, और जो सिंपली जितनी भी सर्विस हुई है उनकी +3 ईयर्स तक उनका एज रिलेक्सेशन उनको मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आज, जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट देखते नहीं हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, विडोज डाइवोर्स वुमन एंड वुमन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड वो आर नॉट रीमैरिड, देखिए उनके लिए एक अलग से ड्राइव है यहाँ पर, जो विधवा लेडी हैं या जो डाइवोर्स वुमन है एंड जो जुडिशली सेपरेट हो चुकी है अपने हस्बैंड से, ठीक है, और जिन्होंने शादी नहीं की है, तो उनके लिए 7 ईयर्स का एज रिलेक्सेशन मिलेगा सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 35 ईयर्स फॉर जनरल एंड EWS, यानी कि उनको जो है 28 + 7 कर लो तो 35 की एज आयु सीमा तक वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड 38 ईयर्स फॉर द OBC, जो OBC महिलाएं हैं उनको 38 ईयर्स तक मिलेगा, यानी कि +10 ईयर्स का उनको भी एज रिलेशनशिप मिल रहा है, किसको, जो विडोज एंड डाइवोर्सी वुमन है उनको, एंड 40 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट उनको मिलेगा। तो ये पॉइंट कई सारे लोग जानते नहीं है, तो आपके आस पड़ोस में जो भी विधवा महिलाएं हैं या डाइवोर्सी कोई वुमन है जिनको जॉब नहीं है बट वो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, या अपने हस्बैंड से वो सेपरेट हो चुकी है और उन्होंने शादी नहीं की है, तो वैसे कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनको जो है वैसे लेडी कैंडिडेट के लिए जो SBI ने जो है स्पेशल उनके लिए एज रिलेक्सेशन दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे तो यू बैंक जो है वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है सभी ड्राइव के बंदे को, तो बहुत ही अच्छी बात है ये चीज़। तो आप सिर्फ जागरूक कीजिए अपने आस पड़ोस के लोगों के ऐसी भी वैकेंसीज है इस तरीके से, ठीक है, और उनको भी बताइए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ है, नहीं तो आप उनको ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करें तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि फिज़िकल चैलेंज और हियरिंग ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पूरी तरीके से बता दी गई है, ठीक है। तो होप्स आपको इतना क्लियर है। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है वहाँ से ग्रेजुएट चाहिए, वो भी एनी डिसिप्लिन मींस एनी ग्रेजुएट पास क्लास चाहिए, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गेट हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री IDD सर्टिफिकेट शुड बी एंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द IDD इज ऑन और बिफोर 16 अगस्त 2021, ठीक है, 16 अगस्त 2021 से पहले ये आपके पास IDD पासिंग चाहिए। दोज वो आर इन द फाइनल ईयर, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखें कि कई सारे कैंडिडेट जो हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं कि सर हम तो TY में अपीयर हैं, हमारा फाइनल ईयर चल रहा है, ठीक है, या फाइनल ईयर है तो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। दोज वो आर इन द फाइनल ईयर सेमिस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ प्रोविजनली सिलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 16 अगस्त 2021, यानी कि जो बंदे TY पास हो चुके हैं, ठीक है, या TY में अपीयर हैं, इस साल की बात करें, कई लोग TY में अपीयर होंगे इस साल, हज़ारों कैंडिडेट होंगे वैसे, तो अगर TY अपीयर में हों और आप अप्लाई करते हो तो आपको 16 अगस्त 2021 से पहले आपका ग्रेजुएशन का जो TY का थर्ड ईयर का जो मार्कशीट है वो यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर आप थर्ड ईयर अभी अपीयर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो डोंट वरी गाइस, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है,
क्लियर है आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बंदे थर्ड ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या मोर देन ग्रेजुएशन जिसकी क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको सब सर्टिफिकेशंस के बारे में बताया गया है जो कि हम आपको बताएंगे टाइम टू टाइम। सिलेक्शन प्रोसीजर बताते हैं, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑनलाइन टेस्ट, प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड द टेस्ट स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। ठीक है, आप लोकल लैंग्वेज में भी यहाँ पर एक टेस्ट होगा, टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, देखिए आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो वो या तो इंग्लिश में होगी या तो हिंदी में होगी, बट यहाँ पर आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो ना वहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका अपेयर होगा। तो फेज़ वन यहाँ पर प्रिलिमरी एग्जामिनेशन से वो क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। ऑनलाइन प्रिलिमरी एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, ऑनलाइन कंडक्ट होगा। ठीक है, एंड दिस टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर, ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शन एज बिलो। तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शन रहेंगे, वो 3 सेक्शन कौन कौन से रहेंगे देख लेते हैं। पहला सेक्शन रहेगा इंग्लिश, सेकंड रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड थर्ड सेक्शन रहेगा रीजनिंग एबिलिटी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन से एंड 30 मार्क्स से, टोटल उसके लिए 20 मिनट दी जाएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन से, 35 मार्क्स से एंड 20 मिनट दी जाएगी, और जबकि रीजनिंग में यहाँ पर 35 क्वेश्चन से, 35 मिनट से, सॉरी 35 मार्क्स से और 20 मिनट से, यानी कि टोटल आपका 60 मिनट्स हो रहा है। दैट इज़ द 1 आवर, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। तो देखिए अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी के, हमने ऑलरेडी इसके 2 चैप्टर फिनिश कर दिए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, जिसमें हमने इनइक्वालिटीज़ और क्या ब्लड रिलेशनशिप ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम न्यूमेरिकल एबिलिटीज ही सॉल्व कर रहे हैं, बीच इन बिटवीन ये वैकेंसीज आ गई हैं, तो हम इस वैकेंसीज को भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो बढ़ते हैं गाइस आगे। ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन एबो, हर एक के लिए अलग सेपरेट टाइमिंग रहेगा। आपको टाइमिंग मैनेजमेंट की चिंता नहीं करनी, आपको 20 मिनट इंग्लिश में दी जाएगी, 20 मिनट मैथमेटिक्स में दी जाएगी, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटीज, एंड 20 मिनट आपको रीजनिंग एबिलिटी में दी जाएगी। देर विल बी अ नेगेटिव मार्क्स ऑफ रॉन्ग आंसर इन द टेस्ट, दैट इज 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइनिंग फॉर द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, ठीक है, अगर आपने सही किया तो 1 मार्क मिलेगा, बट अगर आपने सोच लीजिए आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका क्या होगा, 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा और वो आपके स्कोर में से माइनस कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और फॉर द एग्रीगेट स्कोर। ठीक है, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए कई सारा कन्फ्यूज़न होता है, सर यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ कितना है क्या है, तो यहाँ पर यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सेक्शनल कट ऑफ कितना है क्या है, यहाँ पर पूरा बताया गया है। क्या बताया गया है ज़रा ध्यान दीजिए, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ठीक है, फॉर एग्रीगेट स्कोर सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, आपको सेक्शन वाइज मार्क्स मेंटेन नहीं करने हैं। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी इज डिसाइडेड बाय द बैंक अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू एबिलिटी विल बी शॉर्ट लिस्टेड टू फॉर द मेन्स एग्जाम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स कोड। समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 5000 है, ठीक है, तो उसके 10 टाइम्स प्रीलिम्स में से पास कर दिए जाएंगे, यानी कि 50,000 कैंडिडेट जो हैं उनको प्रीलिम्स में पास का रिजल्ट दे दिया जाएगा, और वो भी क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, यानी कि 100 मार्क्स में से जिसके हाईएस्ट होंगे, तो टॉप 50,000 कैंडिडेट को हर स्टेट वाइज हर कैटेगरी वाइज सिलेक्ट किया जाएगा। क्लियर है? देखिए स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज रहेगा ये, तो जो भी जिस भी कैटेगरी में हैं तो उसको उस कैटेगरी में 10 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस में भेजेंगे ये लोग। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। तो देखिए आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी में ज़्यादा मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है, और एग्रीगेट स्कोर जो है वो आपको ज़्यादा लाना है। अब देखिए पहले क्या था मैं बताना चाहूँगा, पहले एग्जामिनेशन में क्या होता था, इंडिविजुअल स्कोरिंग था, सेक्शनल कट ऑफ था हर एक इंडिविजुअल सेक्शन में, और उसके बाद ओवरऑल बनता था। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपको एग्रीगेट हो गया है,
ठीक है, कोई दिक्कत। अब फेज टू पे जाते हैं, मेंस एग्जामिनेशन। स्ट्रक्चर ऑफ मेंस ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, देखिए आपको सेक्शंस क्या क्या रहेंगे। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 35 मिनट्स रहेंगे। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि ये आपका मैथमेटिक्स ही है, कहीं पर नंबर एबिलिटी लिखते हैं, कहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखते हैं। तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट दी जाएगी। इसमें आपको 5 मिनट कम रहेगी और इसमें भी 5 मिनट कम है और इसमें 15 मिनट कम है। हालांकि ये तो सिर्फ पढ़ के सॉल्व करना है तो इसके लिए 35 मिनट्स इनफ है, ये इसके लिए भी 35 मिनट्स इनफ है। आपको मैथमेटिक्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बिकॉज यहाँ पर आपको फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन करवाना पड़ेगा। तो फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन से याद आया, हम वैदिक मैथ्स की बैच इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड में बहुत ही फास्ट ट्रैक मेंटल एबिलिटी आपकी यहाँ पर दिखे, इसलिए हमने बेसिक से लेक्चर्स लिए हैं। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स है। देखिए रीजनिंग में आपके ज़्यादा मार्क्स है, 60 मार्क्स एंड टोटल 45 मिनट्स आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर 200 है एंड 160 मिनट दी जाएगी यानी कि 2 आवर्स 40 मिनट्स। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अबोव। देखिए हर एक के लिए यहाँ पर सेपरेट टाइमिंग दी जाएगी हर सेक्शन के लिए, इज इट क्लियर। तो देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट को यही दिक्कत होती है कि सर हमें सेपरेट टाइमिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मिलेगा। अब देख लेते हैं हमें यहाँ पर क्या बोला है। देखिए यहाँ पर बोला है द क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी bilingual, दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी। यानी कि इंग्लिश को छोड़ के कोई भी जो दो टेस्ट हैं, कोई भी जो टेस्ट आपका होने वाला है, यानी कि यहाँ पर आपको बोला है फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ये जो है ये दो लैंग्वेज में होगा इंग्लिश एंड हिंदी। देर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर में 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। आगे क्या बोला है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन द एग्रीगेट फॉर पर्टिकुलर कैटेगरीज, 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल फॉर देयर ऑन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। मिनिमम एग्रीगेट जो है वो बैंक डिसाइड करेगी। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड, कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर नहीं है, डिपेंड करता है कि कॉम्पिटिशन क्या रहेगा और कॉम्पिटिशन के हिसाब से जिन्होंने टॉप किया होगा उन्हीं को लिया जाएगा। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, देखिए हर एक सेक्शन वाइज आपको मार्क्स मेंटेन नहीं करने हैं, बट आपको सेक्शन वाइज टाइमिंग दिया जाएगा, तो जो भी बंदे टॉपर रहेंगे उनको ज़रूर सिलेक्ट किया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द टेस्ट मेन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट मार्क्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड कैटेगरीज। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जिस हिसाब से आपका मार्क्स रहेगा उस हिसाब से आपको जस्ट सिंपल है हर एक स्टेट में आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मिलेगा। और दूसरी चीज़, आपको आपका जो स्टेट वाइज है और कैटेगरी वाइज है उसका कट ऑफ डिसाइड होगा कॉम्पिटिशन के हिसाब से। एंड यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये बताई गई है, क्या बोला गया है, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। सेक्शन वाइज मार्क्स मेंटेन करना है या नहीं, आपका आंसर मिल गया। यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आपको जो है मार्क्स मेंटेन नहीं करना है, यानी कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसमें भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या बोला है, टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड प्रोसीजर प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी लैंग्वेज टेस्ट। जिन्होंने 10वीं या 12वीं में जो भी, अगर फॉर एग्जाम्पल जिस भी स्टेट का है उस स्टेट की लैंग्वेज उन्होंने ऑप्ट की है तो उनको लोकल लैंग्वेज टेस्ट में अपियर नहीं होना है। इन केस ऑफ अदर क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर प्रोविजनल सिलेक्शन बट बिफोर ज्वाइनिंग। तो उनको प्रोविजनल सिलेक्शन दिया जाएगा बट उनको लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कंपलसरी पास करना पड़ेगा।
कैंडिडेट नॉट फाउंड प्रोफिशिएंट इन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वुड बी डिसक्वालिफाइड। यानी कि अगर आपने इतनी सारी मेहनत की और आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आई तो आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, मेरी आप सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जिस स्टेट में हो या जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप उसी स्टेट में वही अप्लाई करें। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अप्लाई अभी स्टेट से कर देंगे फिर अपने स्टेट में ट्रांसफ़र ले लेंगे, तो जो आपको मैं बताना चाहूँगा ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में पहले ही बोल दिया गया है कि इंटर जोनल ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होगी इस पोजीशन को लेकर, तो वो लोग ऐसे सपने ना देखें, ठीक है। वो पॉइंट भी मैं कवर करवाता हूँ। तो प्रोविजनल सिलेक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर आपको बोला गया है द मार्क्स ऑप्टेन इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज़ वन विल नॉट बी एडेड टू द सेक्शन और एनी एग्रीगेट मार्क्स ऑप्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन। देखिए, आपका जो फेज़ वन जो है वो केवल फेज़ टू में जाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आप 100 में से 100 लाओ, या फॉर एग्जाम्पल अगर इसका कट ऑफ फर्स्ट 50,000 कैंडिडेट पे कट ऑफ अगर इसका फॉर एग्जाम्पल 50 पे गया, आपका 50.50 भी आया या 51.50 भी आया, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। बट ये प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेंस में कंसिडर नहीं होने वाले, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है विल नॉट बी एडेड टू द सेक्शन सिलेक्शन और एनी एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन फेज टू विल बी कंसिडर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट मेन एग्जामिनेशन। जिस हिसाब से आपका मेंस में रहेगा, मेंस एग्जामिनेशन आपकी जिस हिसाब से रहेगी जिसमें आपका मार्क्स सबसे ज़्यादा होगा उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए, आप जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश करोगे वो आपकी एकदम 100% सही होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हो तो आपके डिसक्वालीफाई होने के चांसेस ज़्यादा है। क्वालिफाइंग इन टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल एज डिटेल अबो, जो अभी हमने डिस्कस कर दिए। तो यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट वो हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर द सिलेक्शन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट। आपको बैंक की वेबसाइट पे ही विजिट करना है, जिस हिसाब से अभी हमने शुरुआत में किया था। तो होप्स आपको अभी तक क्लियर हो चुका है। चलो हम देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको आगे भी बोला है कि वेट लिस्ट क्या है। देखिए, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अ वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसी स्टेट कैटेगरी वाइज विल बी मेंटेन। देखिए, 50% ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि 5,000 वैकेंसीज हैं तो टोटल 2,500 वैकेंसीज के लिए और नई वेटिंग लिस्ट खड़ी कर दी जाएगी। बिकॉज क्या होता है कि कई सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते या कहीं और ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो इसकी वजह से वो यहाँ पर आना नहीं चाहते, तो उसके लिए वेट लिस्ट उन्होंने डिस्कस करके रखा है हमारे साथ। और वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ द वैकेंसी स्टेट कैटेगरी वाइज, हर एक स्टेट वाइज, हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर विल बी मेंटेन, यहाँ पर मेंटेन की जाएगी स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज, ठीक है। आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है उस स्टेट में 50% ऑफ द वैकेंसीज कैटेगरी वाइज 50% उस हिसाब से मैनेज की जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में 1,000 वैकेंसी है तो 500 वैकेंसीज का जो है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। और वो भी कैसे, फॉर एग्जांपल 1,000 है वहाँ पर एससी के लिए 100 सीट्स है, एसटी के लिए 100 सीट्स है, ओबीसी के लिए 100 सीट्स है, जनरल के लिए फॉर एग्जांपल आपको 500 सीट्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 100 सीट्स है या 200 सीट्स है, तो आपकी 1,000 वैकेंसीज हो गई। तो इसका 50% जो है नेक्स्ट कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा जाएगा। तो होप्स ऑफ क्लियर है। कैंडिडेट विल बी रिलीज फ्रॉम दिस वेट लिस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस अगेंस्ट नॉन ज्वाइनिंग ऑफ द और एंड रिजाइनिंग रेजिग्नेशन आउट ऑफ द करंट बैच ओनली। इसी बैच में से जो भी कैंडिडेट रिजाइन करेंगे या ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट में इनको लिया जाएगा जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं। सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज मे बी स्टिपुलेटेड बाय द बैंक फॉर सिलेक्शंस। आपका जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि बैंक ने उस टाइम पे जो रखा होगा, जो कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड होगा, वो आपका क्रॉस होना चाहिए। द वेट लिस्ट विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। जब बैंक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है उसके 1 ईयर तक वेटिंग लिस्ट वैलिड रहेगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम
टेंटेटिवली शेड्यूल ऑन जून 2021, जून 2021 तक यहाँ पर जो है क्या है प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के चांसेस है। अब देखते हैं यहाँ पर सही में होगी या नहीं होगी, बिकॉज रीज़न इज़ दैट अभी कोविड की सिचुएशन बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, हर स्टेट में बहुत ज़्यादा से फैला हुआ है, तो पोस्टपोन्ड भी हो सकती है, बट टेंटेटिवली उन्होंने जून में रखा है। तो और टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज़ प्रोवाइडेड अंडर एनेक्सर वन, इन्होंने एनेक्सर जो में जो है नीचे जो एक एनेक्सर दिया गया है वहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। कैंडिडेट शुड चूज द नेम ऑफ द सेंटर वेयर ही और शी डिजायर टू टेक एग्जामिनेशन, एस बी आई हैव एवर रिजर्व द राइट टू कैंसल एनी एग्जामिनेशन सेंटर एंड और एड सम अदर सेंटर्स एंड इट्स डिस्क्रिमिनेशंस डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी एक्सेट्रा, एस बी आई ऑल्सो रिजर्व द राइट टू अलॉट द कैंडिडेट टू एनी सेंटर अदर देन ही और शी ऑप्टेड। देखिए एस बी आई के पास पूरा राइट है कि आपको कौन से सेंटर पर भेजना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फॉर एग्जाम्पल दिल्ली सेंटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, दिल्ली में अगर आपको जयपुर भेजना है तो उनके पास राइट है कि वो भेजेंगे, इसमें आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, या तो दिल्ली को छोड़ के आपको नोएडा या ग्रेटर नोएडा में दे देंगे। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने चंडीगढ़ रखा है तो ज़रूरी नहीं कि चंडीगढ़ देंगे, अगर उनको नया सेंटर मिला है तो वो नए सेंटर पे आपको पोस्टेड कर सकते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन। देखिए आप जो हैं अभी के मोमेंट में बहुत ही सोच समझ कर सेंटर चूज़ कीजिएगा, जो आपके घर के पास हो, नज़दीक हो, वैसे ही सेंटर चूज़ कीजिएगा। बाकी अगर अलॉटमेंट भी हो जाता है तो उसके बाद चेंज नहीं होगा, ये यहाँ पर आपको बोला गया है। कैंडिडेट विल अपियर फॉर द एग्जामिनेशन एट द अलॉटेड सेंटर हिज हर ओन रिस्क एंड एक्सपेंस एंड एस बी आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी और लॉसेज एक्सेट्रा इन एनी नेचर, जो कि रहता है आपको खुद के खर्चे से आना है। बिहेवियर मिस बिहेविंग इन एग्जामिनेशन हॉल में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट डिसक्वालीफाइंग फ्रॉम फ्यूचर एग्जाम कंडक्टेड बाय एस बी आई, ठीक है। तो आपको वहाँ पर वेल मैनर में रहना है। कॉल लेटर फॉर प्रीलिम्स एग्जाम कब आएंगे इसके बारे में बताया है। कॉल लेटर ऑफ प्रीलिम एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट एनी एग्जाम वेन्यू, ठीक है। कॉल लेटर कहीं पर भी प्रीलिम्स एग्जाम का कलेक्ट नहीं किया जाएगा। हाउ एवर इट विल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड बाय द एग्जाम सेंटर स्टाफ। कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ द आई डी प्रूफ। आपको अपने पास एक आई डी प्रूफ रखनी है, ठीक है। सेफली दोज कैंडिडेट वो आर कॉल्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद द मेन एग्जाम कॉल लेटर एंड अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाई द एक्वाइंट योर सेल्फ बुकलेट एंड कॉल लेटर। अब ध्यान दीजिए, जो कैंडिडेट देखिए कई सारे कैंडिडेट हैं जो ये सब चीज़ नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बार क्या बोला है, जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स एग्जाम में आएंगे कॉल लेटर उनको लेकर आना है, ठीक है। कॉल लेटर लेकर आना है, जैसे ही वो कॉल लेटर लेकर आते हैं तो उनके ऊपर वो ऑथेंटिकेशन स्टैम्पिंग करेंगे और ये जो है ये कलेक्ट नहीं किया जाएगा। आपका कॉल लेटर वहाँ पर कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये आपको वापस दे दिया दिया जाएगा रिटर्न, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये मेंस एग्जामिनेशन जब होगी, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक एक चीज़ बताई गई है। देखिए टू रिटेन द कॉल लेटर कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर, यहाँ पर बोला है आपको ये रिटेन करना है अलॉन्ग विद द ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ, उसके साथ आपकी आईडी प्रूफ भी ऑथेंटिकेट की जाएगी। दोज कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर द मेन्स एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद द मेन एग्जाम कॉल लेटर। समझ में आ रहा है, यानी कि आपका जो प्रीलिम्स का कॉल लेटर है जो उन्होंने ऑथेंटिकेशन किया है और आपकी आईडी प्रूफ, ठीक है, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, डीएल हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी हो सकता है, उसको जो उन्होंने ऑथेंटिकेशन किया है, स्टैम्पिंग किया है, वो आपको मेंस एग्जामिनेशन के कॉल लेटर के साथ लेकर ही जाना है और वहाँ पर आपको ये दिखाना होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए, ये नहीं है इस बार, ये नहीं है आप इस बार। तो कई सारे कैंडिडेट जो हैं इसको देखेंगे नहीं और मेंस एग्जामिनेशन में उनको दिक्कत होने वाली है, अभी से बता रहा हूँ। तो देखिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, अभी भी मैं बता रहा हूँ, एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि देखते नहीं है कैंडिडेट। कैंडिडेट्स नीड टू ब्रिंग टू एडिशनल फोटोग्राफ, देखिए क्या बोला है,
यहाँ पर क्या बोला है, कैंडिडेट नीड्स टू ब्रिंग टू एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज पेस्टेड बाय द कैंडिडेट ऑन कॉल लेटर अलॉन्ग विद द कॉल लेटर एंड अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट एज पर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन द एक्वायर्ड योरसेल्फ बुक एंड कॉल लेटर। कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ पोस्टेड ऑन द कॉल लेटर विदाउट टू एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज पेस्टेड ऑन कॉल लेटर विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले हैं भी मैं आपको इसको एक वीडियो बना के अलग से बता दूंगा कि आपको क्या केयर करनी है। तो गाइस ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि ध्यान देनी है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखिए पे स्केल क्या है आपका, तो यहाँ पर है हम जो है पे स्केल देखने वाले हैं, ठीक है। ये रहा पे स्केल कितना है, 17,900 है, ठीक है। वो प्लस टू एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसेबल टू ग्रेजुएट, जो भी ग्रेजुएट हैं उनके लिए, ठीक है। तो 17,900, 18,900 और 19,900 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी प्लस अलाउंसेस। देखिए स्ट्रेटेजिक बेसिक पे इज 19,900, 17,900 12वीं पास के लिए होता है प्लस सो ऑन, इस तरीके से आपका बेसिक पे चलता रहेगा, ठीक है। द टोटल स्टार्टिंग एम्यूलमेंट्स ऑफ द क्लरिकल कैडर एम्प्लॉय पेएबल एट मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड 29,000। जो आपकी टोटल सैलरी है वो जो फर्स्ट सैलरी है वो 29,000 पर मंथ है इंक्लूसिव ऑफ डीए, अदर अलाउंसेज एट द करंट रेट एंड टू एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट और जूनियर एसोसिएट। अलाउंस में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। तो दे विल बी एलिजिबल फॉर रीएम्बर्समेंट ऑफ वेरियस परक्विजिट प्रोविडेंट फंड पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम डीसीबी यानी कि डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स मेडिकल लीव फेयर एंड अदर फैसिलिटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक एज मे बी इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो देखिए आपको जो है सैलरी कितनी मिलने वाली है, ऑलमोस्ट 29,000 यानी कि आपके फर्स्ट राउंड। देखिए मुझे एक चीज़ बताइए, आपके लिए शायद ये 2-3 महीने बहुत ही टफ रहे, बट मुझे एक चीज़ बताइए कि कोई फ्रेश ग्रेजुएट जो टी वाई में है वो टी वाई करके ग्रेजुएशन करके बाहर निकलेगा। देखिए भले ही कुछ कैंडिडेट जो है अभी मास्टर्स हो चुके होंगे कहीं पे जॉब कर चुके होंगे बट टी वाई में अपीयर है और वैसे लोग अगर पास करते हैं तो वैसे कितने कैंडिडेट को 29,000 की जॉब कौन सी कंपनी ऑफर करती है, कोई नहीं करती, बट हमारी SBI जो है यहाँ पर कर रही है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है। और प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर बोला है, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा प्रोबेशन पीरियड कि आपका जो है गवर्नमेंट प्रोविशन पीरियड जो है सर्विस रेगुलेशन एक्ट के अंदर रहता है। द न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट विल बी अ प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। न्यूली रिक्रूटेड जूनियर एसोसिएट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ई लेसन्स एंड प्रिस्क्राइब बाय द बैंक ड्यूरिंग द प्रोबेशन फॉर गेटिंग कन्फर्म इन द बैंक फेलिंग विच देयर प्रोबेशन विल बी एक्सटेंडेड टिल कंप्लीशन ऑफ द सेम। तो उनको कुछ ई लेसन्स दिए जाएंगे जिसको उनको पास करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सब प्री एग्जामिनेशंस ट्रेनिंग वगैरह है। अगर हम आगे बात करें तो कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन प्रीलिम एग्जामिनेशन का कॉल लेटर यहाँ पर कब आएगा, 1 जून 2021 ऑनवर्ड्स टेंटेटिवली आ जाना चाहिए, इन्होंने बोला है। जबकि मेंस एग्जामिनेशन का कॉल लेटर कब आएगा, 19 जुलाई 2021। और देखिए हमें मेंस से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से मेंस एग्जामिनेशन के बीच में हमें हार्डली 1 महीना मिलने वाला है, तो ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। अब देखिए एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, देखिए ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रिलिमिनरी एग्जाम कॉल लेटर विथ ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ ID प्रूफ एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन कॉल लेटर एट द टाइम ऑफ मेन एग्जाम। दिस डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द अदर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ले जानी है, ठीक है। एंड यहाँ पर बोला है नो हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर और प्रिलिमरी और मेंस या कोई भी बुकलेट जो है आपको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजी जाएगी, आपको ईमेल पे ही भेजी जाएगी और आपसे ईमेल से ही प्रिंट निकाल कर लेकर आना है। और आपको ID प्रूफ क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक भी चलेगी एंड पासवर्ड भी चलेगा, ठीक है। एंड बैंक पासबुक विद ड्यूली अटेस्टेड फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई स्कूल कॉलेज गेजेट ऑफिसर और गेजेटेड ऑफिसर इन द ऑफिशियल लेटर हेड इन ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी देयर ऑफ, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर ले जानी पड़ेगी, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर है।
अब देखिए यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस भी होना चाहिए, होने वाला है, होना चाहिए नहीं, होने ही वाला है। एंड बैंक एट वेरियस स्टेज में कैप्चर थंब इंप्रेशन और आईरिस ऑफ द कैंडिडेट डिजिटल फॉर्मेट फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ द जेन्युइननेस ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका जो ये दोनों चीज़ें हैं ये कैप्चर की जा सकती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपकी फ़ीस कितनी होगी, तो देखिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एंड जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए फ़ीस कितनी है, नील है, यानी कि उनको कोई फ़ीस नहीं देनी, उनको कोई चार्जेस पे नहीं करना है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उनके लिए कितनी फ़ीस है, 750। तो फीस और इंटीमेशन चार्जेस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड ऑन एनी अकाउंट नॉर कैन इट बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर एनी अदर एग्ज़ाम और सिलेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 750 रुपये जो है आपकी फ़ीस है, बट वो किसके लिए है, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। इज़ इट क्लियर। दूसरी चीज़ कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि हमने शुरुआत में ही नहीं पढ़ी, कुछ इम्पोर्टेंट उन्होंने नोटिस दी है SBI ने, जो कि यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर बोला गया है, देख लीजिए, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। देखिए सेल्स होने ही वाला है, तो आप ये माइंड सेट लेकर ही चलिए कि जब आप SBI में ज्वाइन करने वाले हो तो यहाँ पर आपको सपोर्ट भी देना है और सेल्स तो करना ही करना है। इन क्लरिकल कैडर इन SBI कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट ओनली। ठीक है, आपको मल्टीपल स्टेट में अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपको बायोमेट्रिक डेटा द्वारा वो लोग कैप्चर कर ही लेंगे। वैसे भी कैंडिडेट्स कैन अपियर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट। इस ये जो प्रोजेक्ट है उसमें आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंसी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिक स्पेशल एरिया मेंशन इन द वैकेंसीज। ठीक है, द टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ये पार्ट ही है सिलेक्शन प्रोसेस का। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द बैंक। ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट कब होगा, जब आपकी मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगी और बैंक ज्वाइनिंग से पहले। कैंडिडेट हु फेल्स टू क्वालिफाई द टेस्ट विल नॉट बी ऑफर अपॉइंटमेंट। जो लोग इस लोकल लैंग्वेज टेस्ट में फेल हो जाएंगे, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग में फेल हो जाएंगे एंड अंडरस्टैंडिंग में भी, उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा, ऐसा लिखा गया है। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड इन स्पेसिफाइड लोकल ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द टेस्ट। जिन्होंने 10वीं और 12वीं में, मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने 10वीं और 12वीं में जो अगर उन्होंने लोकल लैंग्वेज यहाँ पर रखी थी तो उनको उनका टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका वो टेस्ट नहीं होगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट में। देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर द जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड। ये इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपने इंटर सर्कल ट्रांसफ़र या इंटर स्टेट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दोगे बाद में, जो कि यहाँ पर प्रोविज़न ही नहीं है, तो आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है आपको वहीं पे ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो गाइज एक तरीके से ये अच्छी बात भी है कि लोकल पर्संस को वहाँ पर हायरिंग के लिए मैक्सिमम चांसेस दिए जा रहे हैं, या जो भी आउटसाइडर है उनको लोकलाइज बनने का पूरा चांस मिलेगा। तो जस्ट सिंपल है, ये सब चीज़ें रहेगी। तो अभी आपको जो है ये डिसाइड करना है कि आपको उसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। देखिए फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 रुपये हैं, बाकी किसी भी कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं है, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, वन सेकेंड मैं बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फ़ीस है, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, इवन इफ एक्स सर्विसमैन को भी कोई फ़ीस नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपने आपको कंसिडर करनी है। तो होप्सो आपको पूरी रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने पूरी तरीके से बता दिया है। आगे के एक बार जब आपकी प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन आएगी उसके वक्त मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो होप्सो आपने ये मेरा पूरा वीडियो देखा होगा और आपने मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है, तो आप कोई भी गलती मत कीजिएगा अप्लाई करते वक्त।
तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। ये सेशन, ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस हम ऐसे ही टाइम टू टाइम देते रहेंगे। आप होप सो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये जो वीडियो है आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी ग्रेजुएट है या अबो ग्रेजुएट है, ये जो भी आसपास आपके जो इस एज लिमिट में बैठते हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए। सो गाइस, आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।